आज 7 अगस्त को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव समारोह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर में तिरंगा झंडा 13, 14, 15 अगस्त को लगाने के लिए भाजपा जिला इकाई की ओर से जिला मुख्यालय विंध्यावासिनी नगर गिरजा रोड मोड़ आरा में कार्य के जिला संयोजक से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूर्य भानु सिंह जी के आवास पर तिरंगा झंडा के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला उपाध्यक्ष शुभ चौरसिया ने किया। 1947 के बाद आज 75वां और 15 अगस्त को यानी आज़ादी के बाद भारत पर 75वां उसे अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वाभाविक है कि तिरंगा लहराएगा, हर घर में लहराना है, हर हृदय उस दिन और एक प्रकार से और वो झंडा के झंडा जैसे फहरेगा वैसे तिरंगे लेगा, तो ऐसा एक वातावरण उत्साहजनक वातावरण देश में पैदा करना है जो सबको अबाल वृद्ध नर नारी बाल बच्चे को सबको और देशभक्ति के भाव से वो भर दे। जैसा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान पर राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी की कथनानुसार हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश बिहार प्रदेश से निर्देशित अपने अपने जिला में प्रत्येक जिला में एक लोकसभा क्षेत्र में 2-2 लाख झंडा घर घर में झंडा लगाने का लक्ष्य दिया गया, जिसके तहत मैं भी भोजपुर जिला के इस कार्यक्रम का प्रभारी नियुक्त हूँ। अपनी तरफ से प्रयास रहेगी कि हम लोग हर घर झंडा तिरंगा एक घर घर झंडा तिरंगा भरा दें, राष्ट्र एक राष्ट्र के हित में राष्ट्र के उत्सव के नाम एक त्याग और देश के त्याग और बलिदान के नाम एक उत्सव मनाएं। आज़ादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के तौर पे हम लोग इसका आज पदयात्रा कहाँ से आज पदयात्रा यहाँ से झंडा उत्तोलन के शुभारंभ ही सभी कार्यक्रम का माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार बड़े भाई आदरणीय अमरेंद्र प्रताप जी के कार्यक्रमों द्वारा इसे शुभारंभ हुई और इससे हम यहाँ से शहीद भवन आज पदयात्रा है। फिर कल से सभी विधानसभा में सभी मंडलों में सभी बूथ के स्तर पर गाँव ये कार्यक्रम शुभारंभ हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा लग जाएगी।